ट्रेडिशनल एसआईपी से हो सकता है मेरे बढ़ते सपनों का नुकसान। हम ये बात कैसे कर रहे हैं? एसआईपी मेरा सपना पूरा करने में मदद कर रही है, लेकिन हो सकता है मेरे बड़े सपनों को या बढ़ते सपनों को पूरा करने में असमर्थ रह जाए ट्रेडिशनल एसआईपी। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन हम ले सकते हैं बढ़ते सपने, जैसे कि एक बात कर लेते हैं पहले। क्या होता है कि अभी मेरे को वैकेशन के लिए लोनावाला जाना पसंद है, 4 साल के बाद मेरा इनकम बढ़ता है, मेरा सैलरी बढ़ता है, तो मेरा हो सकता है सपना बदल जाए और मैं सोचूं लास वेगास जाऊं या और किसी वर्ल्ड टूर पे जाऊं, तो मेरा सपना बदल गया है। तो जैसे जैसे इनकम बढ़ता है, मेरा ड्रीम या मेरा गोल भी बदलता है। तो हमने क्या इसका कोई सॉल्यूशन कर रखा है? क्या मेरा ट्रेडिशनल एसआईपी इस बढ़ते हुए सपने को पूरा करने मददगार होगी या नहीं होगी? इन सब पर हम आगे एग्जाम्पल के माध्यम से बात करते हैं। आप एसआईपी के बारे में भली भांति जानते होंगे। इसके अंदर एक फिक्स अमाउंट, एक जो राशि होती है हर महीने एक फिक्स तारीख को एक फिक्स अमाउंट के रूप में आपके अकाउंट से डेबिट होती है और आपको म्यूचुअल फंड के यूनिट बदलते जाते हैं, यूनिट मिलते जाते हैं। ऐसा ये रेगुलर बेसिस पे चलता रहता है। मैंने इसको 5 साल चलाऊं, 8 साल चलाऊं, मेरा सेम अमाउंट ही हर साल डिडक्ट होगा। चाहे मेरा इनकम बढ़ रहा है तो भी अमाउंट फिक्स ही जाएगा। मेरे इनकम बढ़ रहा है, सपने बढ़ रहे हैं, ज़रूरतें बढ़ रही है, लेकिन मेरा इन्वेस्टमेंट क्या बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है, हम इस पर चर्चा करते हैं। और नहीं बढ़ रहा है तो इसका सॉल्यूशन क्या है? एक नया तरीका, मॉडर्न तरीका आया है एसआईपी का, उसको हम बोलते हैं स्टेप अप एसआईपी या टॉप अप एसआईपी। स्टेप अप और टॉप अप एसआईपी दोनों एक ही चीज़ है। इसके अंदर क्या होता है, एक समय अंतराल पर, एक अवधि के बाद, जैसे जैसे आपका इनकम बढ़ता है, इनकम इंक्रीज होता है, आप अपने एसआईपी का अमाउंट भी इंक्रीज कर सकते हैं। जैसे कि मेरा 10,000 का एसआईपी हर महीने रेगुलर जा रहा है और मैं सोचता हूँ कि 1 साल के बाद या 1 वर्ष के बाद ये किसी एक फिक्स अमाउंट से या 1% के रूप में मैं इसको बढ़ाना चाहता हूँ, तो हम उसको बोलते हैं स्टेप अप। ये कैसे काम करते हैं बात करते हैं। मान लीजिए मेरा एसआईपी भी 10,000 का चल रहा है और मैंने 1 वर्ष तक चलाया और मैं चाहता हूँ कि ये 10% से हर साल बढ़ जाए, तो नेक्स्ट ईयर आपका जो एसआईपी अमाउंट डेबिट होगा आपके बैंक अकाउंट से, 10,000 का 10% मतलब 11,000 रुपया होगा। इसी तरह से सेकेंड ईयर 11,000 का 10% यानी कि कितना हुआ, 1,100 रुपया, यानी आपका जो एसआईपी अमाउंट डिडक्ट होगा थर्ड ईयर वो होगा 12,100 रुपया। इस तरह से अगर मैं प्रतिशत के रूप में एसआईपी को इंक्रीज करता हूँ, स्टेप अप करता हूँ, तो इसको बोलते हैं हम परसेंटेज के रूप में स्टेप अप करना। इसी की तरीके से अगर मैं चाहता हूँ कि नहीं मेरे को परसेंटेज में नहीं जाना है, एक फिक्स अमाउंट से मैं एसआईपी बढ़ाना चाहता हूँ, तो वो आप वो भी कर सकते हैं। कि आपने सोचा है कि मेरे को 2,000 रुपये महीना बढ़ाना है या 1,000 रुपये महीना बढ़ाना है, तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं कि माना अगर मैंने 10,000 का एसआईपी स्टार्ट किया और 1,000 रुपये मैंने इसे बढ़ाना चाहता हूँ, तो ये कैसे काम करेगा? पहले साल 10,000 कटेगा, फर्स्ट ईयर फिर जो आएगा स्टार्टिंग में वो मेरा 11,000 हो जाएगा 1,000 से बढ़ के, नेक्स्ट ईयर हो जाएगा 12,000, थर्ड ईयर 13,000, इससे 10 साल में जाकर के ये पैसा डबल हो जाएगा। जबकि अगर मैं यही राशि परसेंटेज के रूप में बढ़ाने की धारणा करता हूँ और मैंने सोचा कि मैं 10% से बढ़ाऊंगा, तो 10 साल में ये एसआईपी अमाउंट आपका लगभग 26,000 हो जाएगा, जो कि आपको एक हैंडसम राशि इकट्ठा करने में मदद करेगा। जबकि फिक्स अमाउंट जो हमने बढ़ाया या ट्रेडिशनल एसआईपी जो बढ़ाया, उससे ज़्यादा मेरे को जो कॉर्पस इकट्ठा होगा वो परसेंटेज वाइज एसआईपी अगर मैं करूँगा तो उसमें ज़्यादा होगा। अब हम बात कर रहे हैं स्टेप अप एसआईपी की। अब स्टेप अप एसआईपी में जो मेन बात है वो इंक्रीज की है, कितना इंक्रीमेंट मुझे करना चाहिए, उस पर हम चर्चा करते हैं कि मेरे को कितने का एसआईपी अमाउंट या परसेंटेज ऑफ अमाउंट बढ़ाना चाहिए। जैसे कि हम बात करते हैं कि मान लीजिए कि मेरा इनकम 1,00,000 रुपया है या मेरा सैलरी 1,00,000 रुपया है और मैं ऐसा सोचता हूँ कि मेरा सैलरी या मेरा इनकम हर साल 10% बढ़ता है, तो इसको हम अब एक कैलकुलेशन के रूप में लेके आते हैं कि मेरे को कितना अमाउंट का एसआईपी है, कितने परसेंटेज से एसआईपी बढ़ाना चाहिए। मान लीजिए पहले साल मेरा सैलरी है 1,00,000 रुपया, उसमें से जो मेरे खर्चे हैं उनको हम कैलकुलेट करते हैं कि मेरा रेंट जाता है 20,000 रुपया, मेरा ग्रोसरी पे खर्चा होता है 25,000 रुपया और मेरा जो कार का ईएमआई है वो फिक्स है, आने वाले 3 साल 5 साल जितने भी साल का मैंने लिया फिक्स रहेगा, वो है 15,000 रुपया और मेरे अदर एक्सपेंसेस हैं 15,000 रुपया। अब नेक्स्ट ईयर क्या होगा, नेक्स्ट ईयर हमारे खर्चों में क्या परिवर्तन आएगा और मेरी इनकम में क्या परिवर्तन आएगा। अब मान लीजिए नेक्स्ट ईयर मेरा जो रेंट है वो अगर 8% से बढ़ता है, एक अमूमन रेट है, साधारण रेट है कि 8% से मेरा रेंट बढ़ता है, जो कि पिछले साल जा रहा था मेरा 20,000, अब इस साल जाएगा यानी नेक्स्ट ईयर 8% अगर मैं बढ़ाऊंगा 20,000 का, तो वो होगा 1,600 रुपया यानी 21,600 रुपया। इसी तरह से ग्रोसरी का जो महंगाई दर है वो मान लेता हूँ कि मैं 6% है, तो जो मेरा पहले था एक्सपेंस ग्रोसरी के ऊपर 25,000 था, उसका मैं 6% निकालता हूँ 25,000 का, तो वो लगभग 1,500 रुपया होता है।
तो जो अभी फिगर आएगा वो आएगा 26,500। इसी तरह से मेरा कार का जो लोन था, ईएमआई था, वो क्या बढ़ेगा या घटेगा? वो नहीं बढ़ेगा, फिक्स खर्चे के रूप में माना जाता है वो, तो वो 15,000 ही रहेगा। और अदर खर्चे जो मैंने पहले 15,000 माना था, उसमें भी मैं इन्फ्लेशन भी जोड़ देता हूँ, तो वो 6% अगर मैं जोड़ता हूँ तो लगभग लगभग वो होएगा 15,900 रुपया, जो कि मेरा पहले 15,000 था। अब हम टोटल करते हैं कि जो लास्ट ईयर था या जो जिस टाइम मेरा सैलरी 1,00,000 रुपया था, जब सैलरी नहीं बढ़ा था, तब जो मेरा खर्चा था वो हो रहा था, अगर तीनों चारों का मैं टोटल लगाता हूँ तो वो होता है 75,000। और सैलरी मेरी बढ़ी इस साल 10%, तो अब जो मेरे खर्चे बढ़ेंगे उन खर्चों का जो मैंने कैलकुलेशन किया है उनका मैं टोटल लगाता हूँ तो वो आता है 79,000। अब हम बात करते हैं कि लास्ट ईयर मेरे को सेविंग कितना था, 1,00,000 माइनस खर्चा कितना था, मेरा टोटल एक्सपेंसेस जो हमने कैलकुलेट किए लगभग लगभग 75,000 रुपया, तो मेरा जो सेविंग था वो था 25,000 रुपया। इस साल मेरा सेविंग कितना होगा? मेरा सैलरी बढ़ा 10% से, यानी 10% से बढ़ा, तो कितना हो गया 1,00,000 का, 1,10,000। तो अभी जो मेरा खर्चा है वो है 79,000, तो 1,10,000 यानी 1,10,000 में से अगर मैं 79,000 माइनस करता हूँ तो जो मेरा अभी सेविंग आएगा वो 31,000, यानी कि लगभग लगभग मेरा सेविंग बढ़ा है 22% की दर से। तो अब हम अनुमान लगा सकते हैं कि मेरे को SIP अमाउंट कितने से बढ़ाना चाहिए। हम तो केवल 10% की बात कर रहे हैं कि अगर 10% से भी बढ़ाता हूँ तो जो मेरे सपने आने वाले, जो सपने मेरे परिवर्तित होने वाले या अपग्रेड जो सपने हो रहे हैं, लोनावाला से जाकर के लास वेगस तक मैं जा रहा हूँ, तो जो मेरे सपने बढ़ रहे हैं, मेरी कार का जो स्टेटस है वो बढ़ रहा है, मेरा लाइफ स्टाइल बढ़ रहा है, लाइफ इन्फ्लेशन जिसको हम बोलते हैं वो बढ़ रहा है, तो उसको पूरा करने के लिए अगर कोई मददगार होगा तो स्टेप अप SIP ही मददगार हो पाएगा। अदरवाइज हमारे सपने तो पूरे होंगे लेकिन ऐसे नहीं होंगे कि लोनावाला से मैं लॉस वेगस चले जाऊं या सिंपल कार से मर्सिडीज में चले जाऊं। अगर ये सपने मेरे बड़े होंगे क्योंकि मेरी इनकम बढ़ेगा, तो उसके लिए मुझे मेरा इन्वेस्टमेंट अमाउंट भी बढ़ाना पड़ेगा, और उसको सबसे अच्छा सोल्यूशन है स्टेप अप SIP या टॉप अप SIP।